तो कैसी लगी एनिमल मूवी? मेरे को फाड़ मूवी लगी। द एक्शन सीक्वेंसेस वर मासी, दे वर रियली रियली गुड। हम बच्चों को ले गए थे, बहुत ही खराब था। बॉबी दूल दिखने में जो था वो पसंद आया, मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। कैरेक्टर की पसंद आया उसका, उसका जो वेडिंग सीन दिखाया उसके बारे में वो तो होता है। वैसे भी होना था। मूवीज में ये दिखाना चाहिए दिस इज नॉट नॉर्मल, तुम्हें ये चीज नहीं सहन करनी चाहिए। डू यू सब्सक्राइब टू दैट आईडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी? बिल्कुल नहीं, दिस वाज लाइक अर्जुन रेड्डी का हुआ ना। मैं अगर बोलूं रणबीर कपूर, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग किया। इफ आई से द डायरेक्टर हु मेक दैट मूवी, उन्होंने बहुत बेस्ट पार्ट किया। दे आर डूइंग देयर बेस्ट, आई कांट से दैट कि वो लोग बेकार है। वो अपना काम परफेक्ट कर रहे हैं, वो सुपर हिट मूवीज दे रहे हैं, लोगों को अच्छी लग रही है। मेरे सामने दो टीनएजर्स बैठे थे, दे वर प्रॉब्ली लाइक 19 और 20। सो वो ये कह रहे थे कि पहले का ज़माना अच्छा हुआ करता था, जब भी गुस्सा बीवी को बेल्ट से मारो। ये तो एक्सपेक्टेड था ना, एनिमल फिल्म को लेके दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हुए ओपिनियंस एंड रिएक्शंस। सम आर सेइंग दैट संदीप वांगा रेड्डी कीप्स ऑन इररिस्पॉन्सिबली ग्लोरिफाइंग वायलेंट एक्ट्स एंड मिसोजिनी थ्रू हिज मूवीज, एंड अदर्स आर सेइंग वॉच इट लाइक अ फिक्शनल स्टोरी दैट इट इज एंड मूव ऑन, व्हाई गेट ऑफेंडेड? श्योर, वी ऑल अग्री दैट आर्टिस्ट शुड हैव द लिबर्टी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बट व्हेन इट कम्स टू मेनस्ट्रीम सिनेमा एंड द इन्फ्लुएंस दैट इट हैज, shouldn't there be some responsibility? Delhi walon ka take lete hain. Bro, animal dekhiye Ranbir Kapoor ki. Ranbir Kapoor ki animal dekhi hai. देखिए रणबीर कपूर की एनिमल थी बहुत। बताओ ना कुछ, प्लीज बात करो ना, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, चलो तुमसे बात करते हैं। रणबीर कपूर की एक्टिंग मस्त थी, बट उसको छोड़ के स्टोरी लाइन, प्लॉट और उसके बाद जो उन लोगों ने पूरा बेस किया हुआ है, बस आपस की दुश्मनी में जो कभी खत्म नहीं होगी, मतलब जाके मूड खराब हो गया। There were a lot of things I was offended with, but I do agree that's how the director wanted to show that character. Female ko jo objectify karte hai na, wo bahut zyada ho raha tha, to wo I didn't like. Usse learning like cheez koi hai nahi, ab main kisi ko recommend nahi karunga, usse kuch bhi learn karo. Do you think movie was anywhere close to reality, like our relationships really like that? I truly believe it. Because we have it, we have experienced that shit. ये तो movie मसाला ही, movie में ही देखी जाती है, real life में ऐसा होता नहीं है। कबीर सिंह बनाई उन्होंने, अर्जुन रेड्डी बनाई उन्होंने, ये भी बना दी, और continuously लोग उनकी misogyny वगैरह के ऊपर सवाल तो उठा ही रहे हैं, but despite that movie बन रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, हॉल में चल रही है, बढ़िया reception, audience है उनके पास। तो क्या आपको लगता है कि आर्टिस्ट को थोड़ा responsible होना चाहिए, कुछ सीन जरूरी नहीं थे दिखाने और कट कर सकते थे, या फिर ऑडियंस के ऊपर है सारा कि भाई आर्टिस्ट ने बना दिया, अब आपकी मर्जी, आप कितना लेते हो कितना नहीं लेते, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डायरेक्टर की? एक्चुअली अभी क्या चल रहा है ना, अभी आजकल के ऑडियंस को पसंद है ये चीज, वो बोलते नहीं है सामने से आगे कि हाँ हमें ये कंटेंट देखना है। मेन पर्पस क्या है मूवी का? एंटरटेनमेंट का है, ठीक है, वो तो लोगों को मिल रहा है ना, इतना चलता है, या बिकॉज़ लाइक ओटीटी इज गोइंग ऑल आउट, सो द सेंसर बोर्ड आल्सो नीड्स टू बी अ लिटिल बिट लिबरल। डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट अब वो मूवी ऐसी नहीं बनाएंगे तो मूवी चलेगी कैसे? अब जैसे एनिमल बनी तो चली ना, वो इतनी जो फिल्म मेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, थोड़ा सोशल फिल्में बनाते हैं ना, उनको देखने कोई जाता नहीं है। इफ इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन, लेट्स सी इट लाइक फिक्शन, बट वो होता ना कि कहीं ना कहीं ये भी होना चाहिए कि इसको आइडलाइज ना करें। अगर सुट्टे के नीचे लिख सकते हो कि दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये भी बोलना चाहिए कि दिस इज नॉट हाउ पीपल शुड बी ट्रीटेड। ठीक है, चलो तुम मेरे भाई हो, कल को मेरे को यहाँ पे कोई छेड़ आए, क्या करोगे, क्या रिएक्शन? उस टाइम तो मैडम कुछ सोच ही नहीं पाते, भाई हो गए तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरी बहन है ये नहीं, ठीक है, मगर मामा की लड़की है, अगर उसको कोई वो करता है मतलब मैं कंट्रोल हो जाता हूँ, वो बात सही, उसने सही किया, मगर तो मतलब अगर आपके पास भी बंदूक हो कल को तो आप खो सकता है, कर लो, कुछ भी हो सकता है। I have a sister as well, I won't be going in the college and just shooting and just making people afraid of me, so definitely that there should be a different way, but definitely it's a movie, not like take it too practical. दिल पे नहीं लेते। पूरी मूवी में कोई पुलिस के कभी कोई जिक्र नहीं हुआ, वो चीज़ ये बहुत लोगों की कंप्लेंट है कि फिल्म में पुलिस क्यों नहीं थी, बॉस लॉ एंड ऑर्डर का है। कई सीन्स थे जो ओवर द टॉप लगे मुझे। जैसे कि कौन से सीन्स ओवर द टॉप लगे? या एक तो बॉबी देओल का जब उसकी शादी का सीन था। देखो एक्चुअली अल्फा मेल का जो सीन था वहाँ पर वो काफ़ी सही था सीन, और लाइक काफ़ी ज़्यादा गाइज ने उससे रिलेट कर पाए और काफ़ी लोग उसको फॉलो करेंगे,
बट मूवी के परस्पेक्टिव से ठीक है बट एज रियल लाइफ के अंदर हमें हम सारी चीज़ें देख के चलनी चाहिए. एग्जैक्टली लाइक ही इज़ एन अल्फा मेल, जैसा कि मूवी के स्टार्टिंग में बोल दिया गया था. तो अगर ऐसा नहीं होता ना तो मूवी ऐसी लगती कि बस उसका नाम ही ऐसा अल्फा मेल है, उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं है. तो ये सारी चीज़ें दिखाना, रिलेट करना है अगर कैरेक्टर से तो ये चीज़ें थोड़ा दिखाना जरूरी है. दिस इज नॉट अल्फा मेल, दिस इज नॉट हाउ यू शुड पोर्ट्रे यू नो अल्फा मेल. अल्फा मेल इज ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग, you know, understanding, having a feminine side. That's a wrong thing which that's showing in the movie. Hmm. That's what in the Kabir Singh and everything they have shown it. See, those films are like, if I say like someone who is very young, college type student, it will definitely affect them and their social life also. बहुत young लोग इसको देख के idolize करने लगते हैं. लड़कियाँ भी बोलती हैं यार तू ऐसा क्यों नहीं treat करना मेरे को, which is all bakwas. Nobody should be treated like that. और दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी या अल्फा मेल या जो बकवास डायलॉग्स थे. माय गॉड, डू यू कंसीडर योरसेल्फ एन अल्फा मेल? एक्चुअली सब कंसीडर करेंगे, क्या बात है. डू यू कॉल योरसेल्फ एन अल्फा मेल? चाहता हूँ मैं ऐसा बनना. जैसे वो बोलते ना कि औरत तो अल्फा मेल को ही चूज करेगी, बाकी तो पोएट वोएट राइटर सब साइड. अल्फा मेल वो डेफिनेशन डिफरेंट है. सभी इंडिविजुअल हैं तो सभी इंडिविजुअल्स की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी और चीज़ में अच्छा है. तो तुम्हारा क्या आइडिया फॉर मैन? मतलब प्रॉपर मैन मस्कुलिनिटी से डिफाइन नहीं होता, मतलब किसका बिहेवियर एटीट्यूड है, सब काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं डिफाइन करने के. NCRB का भी जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें 4% राइज हुआ है अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस by husbands and relatives is 31.4%. If people are saying reality दिखाई है तो probably यही reality है, but उसको question यही उठता है कि क्या glorify करना ठीक था कि नहीं. He is the hero of your movie and if he is doing that, is that correct?